मुझे खुशी है इस बात की कि जो काम कभी शुरू किया था और जिसका शिलान्यास भी किया था और आज वो लखनऊ शहर में सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है समाजवादी सरकार की। और वो दिन जब शुरुआत की थी इस मेट्रो की, आदरणीय आजम खान साहब बैठे थे, मैं था, नेताजी थे, अहमद हसन साहब थे, हमारे बच्चे थे, डिम्पल थे। और आज फिर जब पूरी हो गई है तो आज फिर हम लोग चले हैं, मौका मिला है। ये लखनऊ शहर के लिए, लखनऊ वासियों के लिए, राजधानी के लिए, आम लोगों के लिए एक सुविधा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ़ है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो देने का काम समाजवादी सरकार ने किया है। और हमें उम्मीद है कि जो सरकार आज है इस काम को और आगे बढ़ाएगी। अभी तो दूसरे हिस्से में शुरू ही नहीं किया। अगर समाजवादी सरकार होती तो कम से कम दूसरे हिस्से का भी टेंडर हो गया होता, काम शुरू हो गया होता। लेकिन ये सरकार तो जांच में फंसी हुई है, जांच के बाद जांच, तोड़फोड़ में। उर्दू का दरवाज़ा कैसे गिर जाए? एक तरफ तो उर्दू दरवाज़ा गिरा रहे हैं, वो हमारी संस्कृति का है, एक पहचान है हमारी। और मैंने उस दिन भी कहा था ये दिल वालों की भाषा है। और जब नारे की ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, तो उर्दू का सहारा क्यों लिया? अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो जो नारा लगा रहे हैं दिल्ली वाले, कम से कम उस नारे को रोक करके तो दिखाएं। सरकार ने कल उद्घाटन किया, ये खुशी की बात है। लेकिन आज जो सफ़र में हम लोग थे, हम लोगों के ज़्यादा खुशी है क्योंकि जिस समय मेट्रो चलना शुरू किए थे उस समय भी हम लोग इस ट्रेन में इसी तरह बैठ के गए थे। पहला दिन जिस दिन शुरू किया था तब यही हम लोग थे, और आज भी जब बन करके तैयार हो गई है, ये लखनऊ के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट समाजवादी सरकार की है। यहाँ की जनता को एक सुविधा मिली है चलने के लिए, शहर के लिए एक प्रेस्टीज है, शहर के लिए सम्मान है कि उनके शहर में भी मेट्रो है। लखनऊ भी अब उन शहरों में गिना जाने लगा है जिन शहरों में इस तरह की यातायात या पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, ये क्लीन ट्रांसपोर्ट है। और जिस तरीके से सड़कें हमारी ट्रैफिक से भर गई हैं, कम से कम लोग आसानी से जा सकते हैं। आज चलने से ये पता लगा है कि हालांकि जहां से शुरू होती है और एयरपोर्ट तक समय तो काफ़ी लगता है, लेकिन हुसैनगंज से हसनगंज आने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगते हैं। समाजवादी लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ा, लोगों को सुविधा दी है।